हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतेंद्र। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लेक्चर सीरीज चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान साइकोलॉजी पर। अगर आप इस समय जो स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस के चलते, जिसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है, तो आपको इस समय घर से बाहर नहीं निकलना है। और घर बैठकर अगर आप लेक्चर को एंजॉय करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं और इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दूर तक ले जाने का प्रयास करिए। और आज का लेक्चर हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पर होगा, तो एमपीटेट एग्जाम के लिए इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर को आगे ले जाने से पहले, सामने आप देख रहे हो कि पीएम केयर फंड लॉन्च किया गया है। ठीक है, पीएम केयर फंड लॉन्च किया गया है, तो केयर्स का पूरा नाम ध्यान में रखिएगा, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, पूछ सकता है एग्जाम में। अगर आप सक्षम हो और इस लायक हो कि देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कुछ सहायता कर सकते हो, तो प्लीज़ इस समय आप ज़रूर हेल्प करें। और हर नागरिक को, इस देश का नागरिक होने के नाते, कुछ ना कुछ हेल्प तो करना ही चाहिए। जो इस समय स्थिति बनी हुई है, जो जैसा है, वो थोड़ी बड़ी जो भी हेल्प है ज़रूर करें। मैक्रो माइक्रो जो भी हेल्प है आप ज़रूर करें, करना ही चाहिए इस समय। क्योंकि इस समय हमारे किसान जो कार्य कर रहे हैं खेतों पर, और इस समय हमारे कलेक्ट्रेट डीएम हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो बड़ी पोस्ट हो चाहे छोटी पोस्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या हम घर बैठकर थोड़ी बहुत भूमिका सहयोग नहीं कर सकते? तो प्लीज़ करिए, इस सहयोग में आगे हाथ बढ़ाइए और घर बैठ के ही हेल्प की जा सकती है। अब मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, हम लोग आज लेब वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे, और ये एग्जाम में आता ही है, तो हम स्लाइड को आगे ले जाते हैं। देखिएगा, लेब वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था मनोविज्ञान में, उनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत। आपको सिर्फ इतना सा मिलता है बुक्स में कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो लेब वाइगोत्स्की का नाम आएगा, ये लिखे हुए हैं। पूरा नाम ध्यान में रखिएगा, सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत, सोशल, ध्यान रखिएगा, सोशल कल्चरल इंटरेक्शन डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, लेब वाइगोत्स्की ने। क्या बोलते थे लेब वाइगोत्स्की, मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। देखिएगा, लेब वाइगोत्स्की पहले तो मैं बताऊँगा रूस के थे और संज्ञानवादी विचारधारा के थे, लॉजिकल अप्रोच थी इनकी। ठीक है, अब लेब वाइगोत्स्की बोलते थे कि बालक जो होता है, जो कुछ भी सीखेगा, उसके सीखने में उसका समाज, सोसाइटी जो होती है, बहुत बड़ी इन्वॉल्व करेगी। यानी कि वो जो कुछ भी सीखता है उसमें समाज का इन्वॉल्व होता है, और वो समाज के द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा या इंट्रैक्शन के माध्यम से सीखता है। ठीक है, संज्ञानवादी विचारधारा के तो हैं, लेकिन सीखने में उसका समाज, सोसाइटी जो होती है उसके माध्यम से सीखेगा, और ये जो सीखेगा वो अंतःक्रिया के माध्यम से सीखेगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, आप जब जीन प्याजे पढ़ रहे थे, तो जीन प्याजे बोलते थे कि बालक अपने ज्ञान संज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में, ये जो फिजिकल सराउंड में, स्वयं संज्ञान के माध्यम से करता है। जबकि लेब वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बालक संज्ञान ज्ञान का निर्माण करेगा इस भौतिक वातावरण में, लेकिन उस जब वो कुछ सीखेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा, तो सोसाइटी इन्वॉल्व होगी, उस सामाजिक अंतःक्रिया इंट्रैक्शन के माध्यम से सीखेगा। तो ये स्टेटमेंट मैंने जो बोला है, सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जीन प्याजे क्या बोलते थे और वाइगोत्स्की क्या बोलते थे। इतनी बात हो गई। अब लेब वाइगोत्स्की के बारे में एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इन्होंने अपने सिद्धांत में भाषा पर बहुत अधिक बल दिया है। ये बोलते भी थे कि सर्वप्रथम भाषा का विकास होता है, उसके बाद आपका ज्ञान का विकास होता है, विचार आता है। जबकि जीन प्याजे बोलते थे पहले विचार आता है, फिर बाद में भाषा का विकास होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब मैं लेक्चर को आगे ले आता हूँ। देखिएगा, लेब वाइगोत्स्की ने कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया है। इन शब्दावलियों का जो प्रयोग किया है, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, देखिएगा, पहली आप देख रहे हो ए नंबर पर ZPD। ठीक है, ZPD को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लिखा हुआ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में बोले तो संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या संभावित विकास का क्षेत्र। जोन का अर्थ छात्रों, स्टूडेंट्स होता है क्षेत्र या दायरा। यानी कि ये ZPD कहीं ना कहीं दायरे की बात कर रहा है, या किस कुछ एरिए की बात कर रहा है। क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक छोटा बालक है, क्लास 5th का है,
ठीक है, और उसकी मेंटल एज या मानसिक आयु जो है 10 है, और हमने उससे बोला क्या तुम क्लास ए या कक्षा 8 की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या तुम मेंटल एज 12 के बराबर, कोई आप 10 पे थे मेंटल एज, या मेंटल एज 12 के बराबर या कक्षा 8 के बराबर किसी समस्या को सॉल्व कर सकते हो। यदि बालक जब मेंटल एज 10 पर था और 12 तक पहुंचता है किसी सहयोग के माध्यम से, किसी अंतःक्रिया के माध्यम से या इंट्रैक्शन के माध्यम से या शिक्षक के द्वारा, अगर वो मेंटल एज 10 से 12 प्राप्त कर रहा है तो वृद्धि कितने की हो रही है? 2 की हो रही है, ठीक है। या वो 5th में था और क्लास 8 की समस्या को सॉल्व कर रहा है तो 5 और 8 में कितने की वृद्धि? 3 की वृद्धि। कहने का अर्थ ये है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ ये होता है कि जब बालक स्वयं या किसी की सहायता से ज्ञान के क्षेत्र का निर्माण जो कर रहा है उसका दायरा बढ़ रहा है, या नॉलेज जो होती है वो बढ़ रही है उसका दायरा बढ़ रहा है। बड़ा कैसे? मेंटल एज 10 थी और उसने 12 मेंटल एज के बराबर सॉल्व कर दी, यानी कि 2 की क्षमता आपकी बढ़ गई, तो ये दायरा बढ़ा। तो ये दायरा क्या कहलाता है? ZPD। यहाँ पर एक डायग्राम देखिएगा, ये छोटे से डायग्राम में मैंने बना रखा है बालक को, ठीक है, और यहाँ पर सर्किल के बाहर बना रखा है शिक्षक को, ठीक है। तो बालक जो होता है शिक्षक के पास जाएगा, सोशल इंट्रैक्शन के माध्यम से कुछ सीखेगा। बालक की मेंटल एज 10 है और उसको करना है 12, तो अगर वो शिक्षक की हेल्प के द्वारा, जो शिक्षक के इंट्रैक्शन के माध्यम से जो सीख रहा है, तो वो अगर उसकी मेंटल एज बढ़ गई या उसने अपने से ज़्यादा उम्र की, अधिक उम्र की समस्या सॉल्व कर दी, तो ये दायरा बढ़ा। किसकी सहायता से? शिक्षक की सहायता से। ये दायरा ही जो होता है ना, ये जो बना रखा है मैंने, वही आपका ZPD होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं और गिर रहे हैं, साइकिल नहीं चला पा रहे हैं या सीख रहे हैं। अगर उधर पे क्या होता है कि साइकिल चलाने में अगर आपके फादर आ गए, ठीक है, फादर आ गए और फादर ने आपको पीछे से सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद कुछ दिनों सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि आप साइकिल लेके निकल गए, आपको साइकिल आ गई। पहले दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में आपको हेल्प जो दी गई, हेल्प देने से आप साइकिल आप खुद चला रहे हो, तो यानी कि नॉलेज आपका दायरा बढ़ गया। ये दायरा जो बढ़ा ना किसी की सहायता से, जो वो दायरा है वही ZPD आपका ZPD कहलाता है। जबकि पिताजी ने जो हेल्प करी साइकिल सीखने में या चलाने में, वो सहायता जो है वो कहलाती है आपकी स्कैफोल्डिंग या ढांचा या पार। ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। अगर सहायता दी गई है तो वो स्कैफोल्डिंग है, और सहायता देने से उसका दायरा बढ़ गया है साइकिल चलाने का, तो वो आपका ZPD कहलाएगा। तो एग्जाम में कई बार, बहुत बार पूछा जाता है कि ZPD क्या होता है और स्कैफोल्डिंग क्या होता है। तो ZPD में देखिएगा डिफरेंस देख रहे हैं, ZPD में 12 और 10 से 2 का, यानी कि डिफरेंस देख रहे हैं। जबकि स्कैफोल्डिंग में साइकिल चलाने में हम लोगों ने जो उसको सहायता दी, उसको सपोर्ट दिया, या मैं ये बोलूँ कि बालक छत पे था और उसको ऊपर वाली छत पे चढ़ना था पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था, तो उसका पड़ोसी या उसके पापा या मम्मी आते हैं और एक सीढ़ी प्रोवाइड करते हैं, सीढ़ी रख देते हैं वहाँ पर, और सीढ़ी के माध्यम से बालक ऊपर वाली छत पे चढ़ जाता है और पतंग उड़ाता है। तो जो सीढ़ी रखी, जो असिस्टेंस है, जो सहायता है, वो स्कैफोल्डिंग है। इस जो कुछ भी होगा इंट्रैक्शन के माध्यम से होगा, सोसाइटी के माध्यम से होगा, कि बालक को अपने नॉलेज का दायरा बढ़ाना है तो उसको किसी ना किसी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सहायता सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ये आपके 2 पॉइंट थे, ZPD और स्कैफोल्डिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा तीसरा टर्म है मोर नॉलेज अदर, नोट शॉर्ट में लिखा हुआ है MKO, M से मोर, K से नॉलेज, O से अदर, हिंदी में अधिक जानकार अन्य। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मोर नॉलेज अदर। तो इस केस में अगर हम बात करें, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज किसके पास ज़्यादा है? शिक्षक के पास, जिसके पास आप जा रहे हो और इंट्रैक्शन से सीख रहे हो। तो MKO हो गया आपका टीचर, जो जानकार है, जो आपको सही डायरेक्शन देके आपको सही पाथ पर ले जाने का काम करेगा। तो मोर नॉलेज अदर आपका शिक्षक हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 3 पॉइंट आपको मैंने बता दिए, ABC। अब यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है, इस नोट को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है, अंतर जो होता है ना डिफरेंस में, जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड यहाँ से नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिएगा, जो आपके, मैंने बोला वाइगोत्स्की भाषा पर बहुत अधिक बल देते थे, ठीक है, और इन्होंने भाषा के 3 रूप बताए थे। कितने? 3। जब बालक छोटा होता है 2 साल तक वो सोशल स्पीच करता है, सामाजिक भाषा, ठीक है। अब 2 या 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की जो समय जो है
वो भाषा का दूसरा रूप था, उसको बोला था उन्होंने निजी भाषा या सेल्फ टॉक, ठीक है। और तीसरा जो होता है 7 वर्ष से अधिक जो होता है उसको बोला उन्होंने अंडरग्राउंड, यानी कि बोलने की जरूरत ही नहीं है, अंडरग्राउंड का अर्थ हो गया, अंडरग्राउंड स्पीच का अर्थ हो गया, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बालक बिना बोले भी कार्य कर सकता है। तो ध्यान में रखिएगा भाषा के 3 रूप या 3 प्रकार बताए, पहला सोशल स्पीच 0 से 2 साल, फिर 2 से 7 साल में बताए आपका निजी भाषा, और फिर 7 से अधिक बताए आपका अंडरग्राउंड भाषा। तो इन तीनों को मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो निजी भाषा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, या सेल्फ टॉक या निजी भाषा बहुत एग्जाम में आया है। क्या है हम समझते हैं, सेल्फ टॉक का समझ रहे हो ना, अपने आप से बात करना, वही कहलाता है निजी। निजी का मतलब किसी दूसरे से नहीं, अपने से, ठीक है। पूछा गया है सेल्फ टॉक का कंसेप्ट किसने दिया, या निजी भाषा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने। जैसा कि हमने आपसे बोला ही था कि भाषा पर बहुत बल दिया इन्होंने, और ये समय कितना होता है सेल्फ टॉक का या निजी भाषा का, 3 से 7 वर्ष का। इस शब्द का प्रयोग किसने किया, वाइगोत्स्की ने। क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि बालक अपने आप को बात करते हैं, या अपने आप से बोल कर कार्य करते हैं और खुद को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या मान लेते हैं कि जब आपने किसी वॉइस का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि प्रेस कर रहा था कोई और प्रेस करते करते गाने गुनगुना रहा था, ये कॉन्सेप्ट जो है जब बालक कुछ भी करे वो अपने आप से बात करे, अपने आप को बोल के खुद को डायरेक्ट करने की कोशिश करे, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका सेल्फ टॉक या निजी टॉक या निजी भाषा। 3 से 7 वर्ष के बीच किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया। तो ये था हमारा सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का सोशल इंटरेक्शन का, सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत। ये बोलते हैं कि बालक वही चीज़ सीखेगा जो उसके समाज में चल रही है। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं बुंदेलखंड से आता हूं, तो बुंदेलखंड में फिंगर्स जिसे उंगली बोलते हो, उंगली को नुवैया बोला जाता है। अब वो अगर कोई बालक है बुंदेलखंड सोसाइटी में रह रहा है, तो लोकल लैंग्वेज में उंगली को नुवैया सीखेगा, तो उसके सामने जो बोलोगे तो वो नुवैया ही सीखेगा, यानी कि जो सीखेगा वो सोसाइटी जो होती है वो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बल देता है आपका, ठीक है। ये सिर्फ मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है आप लोगों से, और कुछ नहीं। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र के माध्यम से आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और स्टडी विद सतेंद्र मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। अब वक्त आ गया है कि आप लोग इसको शेयर भी करें, जरूर करना है, और आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और दूसरों की मदद करें देश हित में, राष्ट्र में। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।